नमस्कार फ्रेंड्स, मु रोशनी आपण मानक ओडिया केयरिंग यूट्यूब चैनल रे स्वागत जनाऊ। आहार केन्द्र रे आरंभ हेला प्लास्टिक दियो पेट पूरा खाओ अभियान। कोरापुट साड़ी को नहीं सारा देश रे चर्चा रे थे। कोरापुट रा कुनी सहर कोटपाड एबे किंतु एही सहर किछि विशेष अभियान पई चर्चा परिसर को आसीछि। कारण आरंभ होइछि प्लास्टिक दियो पेटे खाओ भली स्वतंत्र अभियान। कोटपाड एनएससी पक्षरु एभली नियारा अभियान आरंभ करा जायछि, जहाँ फल एक किलो प्लास्टिक देवा द्वारा पेटे खाइबा को मिलुछि। गतकाली ठारु आहार केन्द्र रे एभली एक भिन्न अभियान आरंभ करा जायछि, जहाद्वारा प्लास्टिक बैग बोतल आनी देले 5 टंकिया आहार मिलुछि। एनएससी रो कार्यनिर्वाही अधिकारी आलोक समंतराय कहिछन्ति जे प्लास्टिक आवर्जना द्वारा जीवजगत उपरे कु प्रभाव पडुछि, सेतिपई प्लास्टिक कु प्रभावरु समस्तको सुरक्षा देबाकु छोट प्रयास आरंभ होइछि। एठारे सूचना थाउ कि रास्तारे पड़िथिबा प्लास्टिक गोटाई आनिले पेट पूरा मागणा खाद्य दियाजिबा नै छत्तीसगढ़ अंबिकापुर रे किछि दिन तले एक कैफ्र उद्घाटन करा जायथिला। एठारे जदि आपण 500 किलोग्राम प्लास्टिक नै जांती जलखिया मागणारे खाइबाकु दिया जाउछि। अंबिकापुर रो एई कैफ्रो संग्रह होइथिबा प्लास्टिक को रास्ता निर्माण रे व्यवहार करा जिवो। नवंबर रे द्वितीय किस्ती रे मिलिबो कालिया टंका। आसंता नवेम्बर रे राज्य रे योग्य चासी मानंकु द्वितीय किस्ती रे कालिया टंका मिलिबो। मुख्य शासन सचिव असित कुमार त्रिपाठी को सह आलोचना परे कृषि सचिव सौरभ गर्ग मंगलवार एही सूचना देइछंती। श्री गर्ग कहिछंती योग्य हिताधिकारी को जांच गत अगस्त रे शेष होइ जायछि। जांच परे जेउ माने योग्य विवेचित होइछंती से माने आगामी नवेम्बर रे राज्य सरकार को कालिया योजना रो द्वितीय किस्ती रे टंका पाई परिबे। राज्य सरकार कालिया योजना रे हिताधिकारी मानंक तालिका जांच अवधि अगस्त 27 पर्यंत वृद्धि करिथिले। केही जणे भी योग्य हिताधिकारी जेपरि कालिया योजना रे दिया जायथिबा सहायतारु वंचित न होवंती सेतिप्रति दृष्टि देबाकु दायित्व रे थिबा अधिकारी मानंक मंत्री निर्देश देथिले। संशोधित तालिका प्रकाश पाइबा परे जदि कोनोसी त्रुटि विच्युति देखा जाय तेबे संपृक्त अधिकारी उत्तरदायी रहिबे बोली मंत्री कहिथिले। सूचना योग्य जे कालिया हिताधिकारी तालिका संशोधित प्रक्रिया अगस्त 5 रु आरंभ होई 31 तारीख रे शेष होइथिला। अगस्त 27 तारीख रे पंचायत स्तर रे जांच प्रक्रिया शेष करा जिबा परे 29 तारीख रे ब्लॉक स्तर रे ओ 31 तारीख रे जिला स्तर रे एहाको चूड़ांत करी कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग को पठा जायथिला। कोरापुट रे प्रतिष्ठा हेबो सिपेट रो द्वितीय केन्द्र। दक्षिण ओडिशार सहर कोरापुट रे सिपेट रो द्वितीय केन्द्र प्रतिष्ठा हेबो। मुख्य सचिव असित कुमार त्रिपाठी सह आलोचना परे मंगलवार केन्द्रीय सार और रसायन सचिव पी राघवेन्द्र राव एही सूचना देइछंती। पीसीपीआईआर ने राज्य सरकार पदक्षेप को प्रशंसा करिछंती। पीसीपीआईआर प्रतिष्ठा ने मुंबई सम्मेलन रे निष्पत्ति हेबो बोली से कहिछंती। आसंता नवंबर 11 और 12 रे अंतर्जातीय पेट्रोकेमिकल सम्मेलन हेबो। सफेई कर्मचारी पुओ विदेश रे जितिले स्वर्ण। उत्तर प्रदेश रो शाहजानपुर जिले रे काम करथिबा जणे सफेई कर्मचारी पुओ रूस रो मस्को रे हेउथिबा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड चंपियनशिप रे स्वर्ण पदक हासिल करिछंती। शाहजानपुर स्थित महाउ महेश ग्राम रे बसवास करथिबा लालता प्रसाद पुओ अजय पावर लिफ्टर। लालता प्रसाद पंचायतीराज विभाग सफेई कर्मचारी भाव काम करती। अजय सिद्धली एक छोट जिम रे वेट लिफ्टिंग रा अभ्यास करती। से अनेक राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग चंपियनशिप रे सफलता हासिल करिछंती। पुओर अभ्यास देखि लालतांको विश्वास थिला तांको पुओ दिने ना दिने एक बड़ सफलता मिलिब। आज बापा देखिथिबा एक स्वप्न को अजय पूरा करि देखाइछंती। रूस रो मस्को रे अक्टोबर 26 और 27 रे आयोजित होइतिया पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड चंपियनशिप रे अजय भाग नहींथिले। एथिरे अजय 400 किलो ओजन उठाई स्वर्ण पदक जीतिथिले एवं विदेश रे निज देशर पताका उड़ाइथिले अजय। मध्याह्न भोजन रो मानकु ने बिगिडिले गणशिक्षा मंत्री। कोरापुट छात्र छात्री को दिया जायथुवा मध्याह्न भोजन रो मान ठीक नाही, उणा लागुछि। खुद गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास एहा स्वीकार करिछंती। आज पुजारीपुट स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय को जाय मध्याह्न भोजन खाइबा परे से विरक्ति प्रकाश करिबा सह खाद्य निर्माणकारी संस्था विरुद्ध रे पदक्षेप नियाजिबा बोली सूचना देइछंती। आज कोरापुट रे शिक्षा विभाग विभिन्न कार्यक्रम नहीं समीक्षा करा जाउथिला। एथिरे मध्याह्न भोजन ने जिल्लार लोकप्रतिनिधि माने मंत्री को दृष्टि आकर्षण करिथिले। कोरापुट जिल्लार सहरांचल समेत अन्य केतक विद्यालय रे केन्द्रीय रोषशाला रे प्रस्तुत खाद्य दिया जाउथिबा बेले उक्त खाद्यर मानकु नहीं
कोटपाड़ विधायक तथा मंत्री पद्मिनी दियान और जयपुर विधायक बाहिनीपति घोर असंतोष व्यक्त करते। राज्य सरकार एक संस्था को कोरापुट जिलार चारोटी पौरांचल समेत अन्य किछि स्कूल को मध्याह्न भोजन जगैबाकु दायित्व देइछन्ति। उक्त संस्था जयपुर रे खाद्य प्रस्तुत करी विभिन्न स्कूल को देउची, किंतु संप्रुक्त संस्था देउथिबा खाद्य अति निम्नमानर थिबारु छात्र छात्री ताहा खाउ नथिबा मंत्री और विधायक स्कूल और गणशिक्षा मंत्री ठारे अभियोग करथिले। मंत्री ए दिगरे पदक्षेप नेबे बोली कहिथिले। समीक्षा बैठक पर मंत्री श्री दास कोरापुट पौर परिषदर पूजारीपुट विद्यालय को जाय छात्र छात्री मध्याह्न भोजन खाइथिले। पर से विरक्त प्रकाश करबा सह एहार मान ठीक नाही बोली कहिथिले। खाद्य प्रस्तुत कारी संस्था विरोध में कार्यानुष्ठान ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश देते मंत्री। संस्था को नोटिस करा खाद्यर मान ठीक करने को तागिद करा। से भुवनेश्वर फेरिबा परे मध्याह्न भोजन दायित्व अधिकारी आलोचना कर ए दिगरे विहित पदक्षेप नेबे बोली मंत्री कहते। एक रु एकक स्मानसिक परीक्षा दुईट सीट्रे हेब। प्रथम रु अष्टम श्रेणी परीक्षा प्रथम रु अष्टम श्रेणी छात्र छात्री अनुष्ठित एकक स्मानसिक परीक्षा कार्यसूची रे किछिटा परिवर्तन करा जायछि। पूर्वर अक्टोबर 29 रु नवंबर 2 पर्यंत होबाकु थिबा एही परीक्षा एबे नवंबर 1 रु आरंभ हेबो। लगाण वर्षा जोगु बहु विद्यालय रे एपर्यंत प्रश्नपत्र पहुंची न पारि जिला स्तर रे अटकी रहिछि, तेणु परीक्षा सूचना रे परिवर्तन करा जायछि। तेबे पूर्व निष्पत्ति अनुजाई नवंबर 1 और 2 रे हेबाकु थिबा परीक्षा सूची रे कोनोसी परिवर्तन करा जाय नथिबा ओडिसा स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी पक्षरु सूचना दिया जायछि। प्रकाशित विज्ञप्ति रे कुहा जायछि जे प्रतिदिन परीक्षा दुईट सिटिंग रे अनुष्ठित हेबो। प्रथम रु सप्तम श्रेणी पर्यंत समस्त विषय रे परीक्षार समय सीमा 1 घंटा 30 मिनट रखा जायछि। शनिवार दिन प्रथम रु सप्तम श्रेणी पई सकाळ 7:00 to 8:30 ओ सकाळ 9:00 to 10:30 पर्यंत परीक्षा हेबो। अष्टम श्रेणी रे समस्त विषय रे परीक्षा 2 घंटा लेखाय हेबो। प्रतिदिन सकाळ 10:30 to 12:30 ओ अपराह्न 2:00 to 3:00 जाय परीक्षा चलिबो। शनिवार दिन सकाळ 7:00 to 9:00 और पूर्वाह्न 9:30 to 11:30 जाए परीक्षा चलिबो। सारा राज्य रे गोटे समय रे परीक्षा हेबो। जातीय संगीत परिवेषण बेले पड़गले महिला पुलिस अधिकारी मंचरु ओलाई स्वास्थ्यावस्था बुझिले राष्ट्रपति और अर्थमंत्री। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार दिल्ली में आयोजित होता विज्ञान भवन में नेशनल सीएसआर पुरस्कार प्रदान कार्यक्रम में जोगदे। राष्ट्रपति अतिथि थिबारु कार्यक्रम आरंभ होबा पूर्वरु जातीय संगीत परिवेषण करा जायथिला। एही समय रे प्रथम धाड़ी रे छिड़ा होइतिबा जणे महिला पुलिस अधिकारी गोड़ गंठी मोड़ी हो जाइथिला। गोड़ मोड़ी हो जिबा फळरे महिला पुलिस अधिकारी जणक तळे पड़ी जाइथिले एवं सेठारे ही बसी रहिथिले। जेमिति ही जातीय संगीत परिवेषण शेष होइछि, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, अर्थमंत्री सीतारमण और केन्द्रमंत्री अनुराग ठाकुर मंच उपर ओल्लाई उक्त महिला पुलिस अधिकारी पाखकु जाइ तांक स्वास्थ्य अवस्था बुझिथिले। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण और केन्द्रमंत्री अनुराग ठाकुर मंचरु ओलाई महिला पुलिस अधिकारी स्वास्थ्य अवस्था बुझी दृश्यर फोटो एबे सोशल मीडिया रे वायरल होइछि। टंका अभावर मैट्रिक रे ए ग्रेड पाइथिबा दुई छात्री उच्च शिक्षा रु वंचित, सर्टिफिकेट देउनांदी स्कूल कर्तृपक्ष। स्कूल फी देन पारिबा कारण बंधा पड़गला सर्टिफिकेट। 2.5 वर्ष हेला उच्च शिक्षा रु वंचित होइछन्ती राउरकेलार दुई छात्री। दशम बोर्ड परीक्षा रे ए ग्रेड पाइथिले मध्ये घरे बसी रहिछन्ती। स्कूल कर्तृपक्ष कहुछन्ती टंका दियो सर्टिफिकेट नै जाओ। राउरकेलार जगदास्थित सेंट मेरी इंग्राजी माध्यम स्कूल रे पाठ पढ़ुथिबा जयश्री और भाग्यश्री को आखिरे लुह, कारण दशम बोर्ड परीक्षा रे ए ग्रेड पाई उत्तीर्ण होइथिले भी तांको स्कूल सर्टिफिकेट देउनाही। स्कूल फी देबारे असमर्थ होइतिबा कारणरु स्कूल कर्तृपक्ष बोर्ड सर्टिफिकेट, मार्कशीट एवं स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देबाको रोकठोक मना करि दैछन्ती। कुआर मुंडा ब्लॉक रेउ गाँवर एक परिवार अति गरीब परिवार, मागी जाची कौनसी मते परीक्षा देबा पर्यंत कथा चलीगला। एडमिट कार्ड देबाकु भी मना करि देउथला स्कूल, तेबे काकुती मिनती हेबा परे एवं एक निर्दिष्ट अर्थ जमा करिबा परे एडमिट कार्ड रो जेरॉक्स कॉपी दिया जाय परीक्षा पे सुजोग दिया जायथिला। दुई भौणी परीक्षा रे ए ग्रेड पाइले हेले स्कूल फी दे नथिबारु 2017 जून मासरो स्कूल रे बंधा पड़ी सर्टिफिकेट। निज फिल्म रे अभिनय करने को अभिनेत्री सर्त रखिले दुती चांद।
ओडिया झिया तथा भारतर द्रुततम धाविका दुती चंदंग उपरे जदि बायोपिक फिल्म निर्माण हुए तेबे केउं अभिनेत्री को पसंद करिबे तहार खुलासा करिछंती। भारतीय क्रिकेटर टीम रो पूर्वतन खेलाड़ी वीरेन्द्र सेवागंक प्रश्नर उत्तर दे दुती कहिछंती जे जे भी अभिनय कले भी चलिबो किंतु मो भली धाई परुथिबा दरकार प्रथमे तांक सह धाईबा परे ही अभिनय करि परिबे बोली दुती कहिछंती। अमिताभ बच्चनक लोकप्रिय क्विज शो कौन बनेगा करोड़पतिर 11तम सीजन कर्मवीर स्वतंत्र अध्याय रे दुतिंक सह सेवाक ओ आथलेट हिमा दास नजर आसीथिले। एही तीनी जन अमिताभंक प्रश्नर उत्तर देइथिले तेबे एहा परे सेवाक हिमा ओ दुतिंकु किछि प्रश्न पचारिथिले। जदि आपणक उपरे बायोपिक हुए तेबे केउ अभिनेत्रींकु आपणक चरित्रे देखिबाकु पसंद करिबे बोली सेवाक प्रश्न करिथिले। एहार उत्तररे दुती कहिथिले जे जे भी अभिनय कले चलिबो किंतु प्रथमे मो भली धाई परुथिबा दरकार। सेटारे सूचना थाउ कि पूर्वरु दुती तांक बायोपिक पई कंगना रणावत सर्वोत्कृष्ट बोली कहिथिले। अभिनेता अभिनेत्रींक नामरे बिक्री हेउछि गध। सलमानक दर 10 लाख टंका तो शाहरुख खानंकर 11 लाख टंका। उत्तर प्रदेश रो त्रिकुट जिल्लारे मुगल कालीन ऐतिहासिक गध मेला दीपावली रो 2 दिन पर आरंभ होइथाय। एही मेलारे गध मानंकु 50,000 टंकारु नै 2 लाख टंका पर्यंत बिक्री करा जायथाय। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ अनेक व्यवसायी निजर गध मानंकु नै एही मेलारे सामिल होइथांदि। अनेक संख्यारे लोके एही मेलाकु आसी गध किणी नैथांदि। एही मेलार विशेषत्व हेउछि गध मानंकु बॉलीवुडर अभिनेता अभिनेत्रींक नामरे बिक्री करा जाउथाय। मेलारे सलमान खान शाहरुख खान सहित ऋतिक रोशन और रणवीर सिंह नामक गधकु लोके अधिक मात्रा रे क्रय करिथिबा जणापडिछि। सलमान खानक नाम दिया जाइथिबा गधकु लोके 10 लाख टंका रे किणिथिबा बेले शाहरुख खान नाम दिया जाइथिबा गध 11 लाख, ऋतिक रोशन और रणवीर सिंहक नाम दिया जाइथिबा गधकु 8 लाख रे बिक्री करा जाइथिला। दुई जन पुरुषंक सह संपर्क रखिबाकु मां मना करिबारु तंटी चिपी हत्या कला झियो, मृतदेहकु 3 दिन जगि रहिला। हैदराबाद दुई जन पुरुषंक प्रेम जालरे फसाई सेमानंक सह झियो संपर्क रखिथिबा कथा मां जानिबा परे एपरि करिबाकु झियोकु मना करिथिले। तेबे मां एपरि करिबाकु काहिकि बारण कला सेथिरे रागि जाय झियो तंटी चिपी मां रो हत्या करिथिला। मृतकंक स्वामींक अभियोग क्रमे पुलिस मंगलवार अभियुक्त झियोकु गिरफ करिबा परे घटना सामनाकु आसिछि। एमिति एक घटना गत अक्टोबर 18 तारीख रे हायतनगर ब्लॉक अंतर्गत मुनागनूर गाँव में घटीला। 19 वर्षीय कीर्ति रेड्डी दुई जन युवक को एकासह निज प्रेम जाल रे फसाई संपर्क रखिथिला। माँ रंजिता झीर एभली कारनामा जानिबा परे एहाको विरोध करिथिले। कीर्ति किंतु एथिरे विरक्ति होई निज प्रेमिक सह मिसी माँ को तंटी चिपी हत्या करिथिला बोली पुलिस निकटरे स्वीकार करिछि। केवल एतिकि नुहे माँ को हत्या करिबा परे 3 दिन पर्यंत झियो और तार प्रेमिक मृतदेह सह रहिथिले। मृतदेहर दुर्गंध बाहरिबा परे भयरे दुहे माँ रो शव को रेलधारण रे फिंगी देइथिले। रायगढ़ शिशु मंदिर रे अभावनीय घटना, छात्र और अभिभावक को पिटिले शिक्षक। छात्रों मध्य लगिता कलह को केन्द्र कर रायगढ़ सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में मंगलवार अभावनीय घटना घटी। घटनार समाधान करने को जाए शिक्षक जनक उत्त्यक्त हो छात्र और अभिभावक माड़ मारी एपरिकी छात्रों तंटी चिपी तले घोषाड़ी नहीं शिक्षकों ना अभोग जहाँ रायगढ़ में चर्चार विषय हो अभिभावक एने टाउन थाना रे लिखित अभियोग देवा शिक्षक डी अनिल कुमार को पुलिस अटक रखी पचराउचरा करुछि। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर रे षष्ठ श्रेणी रे पढ़ती ए शुभ्रांशु राज मध्याह्न भोजन पर शुभ्रांशु क्लासरूम रे बसी पढ़ुता बेले किसी सहयोगी खातार अश्लील भाषा लिखि शुभ्रांशु यार प्रतिवाद करने ए संपर्क में शिक्षक डी अनिल कुमार दृष्टि आकर्षण करते शिक्षक क्लासरूम को आसी शुभ्रांशु सहयोगी पचराउचरा करते किंतु सेमाने किछि लेखि नथिबा कहिबा परे शिक्षक चली जाइथिले। एही समय रे शुभ्रांशु पुणी शिक्षक को अनुरोध करिबा परे एथिरे उत्त्यक्त होई शुभ्रांशु चापुडा मारिबा सह क्लासरूम रो बाहर को ने शार्ट चिरी देइथिले। माड़ मारिबा परे शुभ्रांशु रो तंटी को धरी क्लासरूम रे बाहर तळे घोसड़ी नैथिले। स्कूल छुट्टी हेबा परे शुभ्रांशु कांदी कांदी स्कूल रो बाहर को आसुथिबा देखि किछि अभिभावक परिवार लोकंको खबर देइथिले। खबर पाई शुभ्रांशुंक माँ अपराजिता सिंह स्कूल रे पहुंची घटना संपर्क रे शिक्षक अनिलंकु पचारुथिबा समय रे शिक्षक अन्य अपराजितंकु दुर्व्यवहार करिथिले। शिक्षक अभिभावक मध्यरे कथा कटाकटी हेबा परे पुणी शिक्षक जनक अपराजितंक चापुडा मारिथिले।
ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଅପରାଜିତା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପିଟିବା ସହ ଏ ନେଇ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ପାଇ ଟାଉନ ଥାନା ପୁଲିସ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ଶିକ୍ଷକ ଅନିଲଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନେଇ ଅଟକ ରଖିଛି। ଜମାରାଶି ଉପରେ ସୁଧହାର କମାଇଲା ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଗ୍ରାହକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତା ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ଉଭୟ ଚଳନ୍ତି ଓ ମିଆଦୀ ଜମାରାଶି ଉପରେ ସୁଧହାର କମାଇ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ବଢ଼ିଯାଉଥିବା କାରଣରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର 28 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା ଆକାରରେ ରହିଛି ଏବଂ ଯାହା ଉପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ଜମାରାଶି ଉପରେ 3.50% ହାରରେ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ଏହାକୁ 3.25% ହ୍ରାସ କରିଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ତେବେ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜମାରାଶି ରଖିଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଧହାରକୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ। ସେହିପରି ମିଆଦୀ ଜମା ଟର୍ମ ଡିପୋଜିଟ୍ ଉପରେ ସୁଧହାରକୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ କରାଯାଇଥିବା ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେପୋ ରେଟ୍ ହ୍ରାସ କରିବା ପରେ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ଜମା ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧହାରକୁ କମାଇ ଦେଇଥିଲା। ନିଆରା ଉଦାହରଣ, ଗାଁ ଶ୍ମଶାନରେ ଦୀପାବଳି ପାଳିଲେ ଡିଙ୍ଗରବାସୀ। ଛିଣ୍ଡା ମସିଣା, ଭଙ୍ଗା ହାଣ୍ଡି, ଦରପୋଡ଼ା କାଠ, ଖଣ୍ଡିଆ ଲୁଗା ଓ ବାଉଁଶର ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଇଲାକା ଗାଁ ମଶାଣି। ସଞ୍ଜବେଳେ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା ବେଳେ ଡର ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କର ବଡ଼ ଆବେଗିକ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ଏହି ମଶାଣି ସହିତ। ଜୀବନଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତିମ ସୋପାନ ଏହି ମଶାଣି ଭୂଇଁରେ। ଦିକି ଦିକି ଜଳୁଥିବା ଜୁଇଟିଏ ଦେଖିଲେ ଆପେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଆସେ। କେଉଁ କେଉଁ ମଶାଣିରେ ସିମେଣ୍ଟର 4 ଖୁଣ୍ଟ ଉପରେ ଛାତଟିଏ ପକାଇ ବର୍ଷାରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ଆଉ କେଉଁଠି ମଶାଣିକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଶାଣିରେ ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବ ପାଳନର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡିଙ୍ଗର ଗ୍ରାମରେ। ଦୀପାବଳିରେ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ଓ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି କାଉଁରିଆ ଜାଳି ବଡ଼ବଡ଼ୁଆଙ୍କୁ ଆଲୁଅ ଦେଖାଇବାର ପରମ୍ପରା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ମାତ୍ର ଡିଙ୍ଗର ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହାକୁ ଏକ ନୂତନ ସ୍ତରକୁ ଘେନି ଯାଇଛନ୍ତି। ଗତ 3 ବର୍ଷ ଧରି ମଶାଣି ପରିସରରେ ବିଭିନ୍ନ ବୃକ୍ଷଲତା ଲଗାଇ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ବିଶ୍ୱନାଥ ମାର୍ଥା, ବିମ୍ବାଧର ମହାରଣା ଓ ସାଥୀମାନେ। ଏ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଦୀପାବଳି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ଶ୍ମଶାନ ପରିସରରେ ପିତୃପୁରୁଷ ଓ ଦେଶର ଶହୀଦ ଯବାନମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାମୂହିକ ଦୀପଦାନ କରିଥିଲେ। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ପଣ୍ଡିତ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବିଷୋଇ ବେଦ ପାଠ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ବେଳେ ବର୍ଷିଆନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମଦନ ମୋହନ ମାର୍ଥା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସମାଜସେବୀ ଲଳିତ ମୋହନ ନାଗଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷାବିତ ରାଜକିଶୋର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଶିବପ୍ରସାଦ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ବହୁ ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ଏଭଳି ମହତ୍ ଉଦ୍ୟମର ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। କୌଣସି ସରକାରୀ ବା ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛି।